मैं पूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जिला उमरिया दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरिया जिले में फिर एक बार आरोपी द्वारा हैवानियत को दर्शाते हुए 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। जिले के बिशिंगपुर पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बिशिंगपुर पाली नगर निवासी आरोपी कलीम अंसारी उम्र 50 वर्षीय के द्वारा अपने पड़ोस की ही रहने वाली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। वही जानकारी मिलने पर बच्ची के परिजनों द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई एवं पुलिस के द्वारा बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया गया, जहां बिशनपुर पाली थाना पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध धारा 376 पास्को एक्ट सहित अन्य धारा के तहत अपराध दर्ज किया है एवं दुष्कर्म के आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पीसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, मगर इसके लिए हम लोग महाविद्यालय में भी इस प्रकार का कार्यक्रम कर चुके हैं। इसमें पुलिस विभाग और महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यशाला की गई थी। न केवल महाविद्यालयों में, स्कूलों में, बल्कि ये जो है समाज के ऐसे जहां पर भीड़भाड़ के इलाके हैं वहां पर भी इस चीज का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इसमें समाज की भी जिम्मेदारियां हैं, उन समाज सेवियों की भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है और पुलिस विभाग, महिला बाल विकास, शैक्षणिक संस्थाएं, इन सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे सब संयुक्त रूप से मिलके और इसका प्रचार प्रसार करें और पास्को एक्ट जो है उसको बड़े अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से उनको अवगत कराया जाना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि निरंतर इस तरह की वारदातें चाहे हमारे जिले में हो या हमारे प्रदेश में हो या देश में निरंतर होती जा रही है। एक जनसमूह उसका विरोध भी कैंडल मार्च करके और इस तरह से करता रहा है, लेकिन फिर भी उसमें रोक किसी भी तरह से नहीं लग पा रही है। प्रशासन सक्रिय है निश्चित रूप से, इसीलिए उन्होंने इतनी तुरंत में कार्रवाई की। हमारा कानून भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जो समय है वो इतना ज्यादा हो गया है कि तुरंत सजा नहीं मिल पा रही या इतनी कठोर सजा नहीं मिल पा रही है लोगों को कि वो उस पे अंकुश लगा। तो हमें, मुझे जो मेरा खुद की सोच है वो ये है कि पहले तो हमें हमारे जो बालिकाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, या उनको गुड टच बैड टच वाली बहुत सारी मुहिम भी अभी हम लोग चला रहे हैं स्कूलों में कि बच्चों को ये समझ में आए कि कौन हमारे साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। प्लस जो आपका कानूनी कार्रवाई है वो उसमें फास्ट ट्रैक पे उसको किया जाए, जल्दी जल्दी जो है उसको सजा और बिल्कुल कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि इन चीजों पे जल्द से जल्द अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि एक स्त्री होने के कारण मैं जानती हूँ कि कितनी पीड़ा उस बच्ची को हुई होगी, साथ ही उस परिवार को हुई होगी जो ये घिनौना काम उसके साथ किया गया। देखिए, पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है। इस पर हम लोगों का यह विचार होना चाहिए, यह समाज का नैतिक दायित्व है कि हम अपने बच्चियों को ऐसे अपराधियों से और ऐसी घृणित मानसिकता वाले व्यक्तियों से बचा कर रखें। अच्छा, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसमें जो आज पूर्ण ग्राफी करके जो पूर्ण वीडियो चलते हैं मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से, इस पर संपूर्ण तरीके से रोक लगनी चाहिए, जिस पर एक समाज को एक सही संदेश दिया जा सके और लोगों को अपराधियों के मन में इस प्रकार में तुरंत थाना पाली हो या कोई भी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना हो रही हो, पुलिस वालों को, पुलिस के जो विभाग है, इसमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं हमारे जिले में या हमारे आस पड़ोस समाज में हो रही है। इसके लिए उस बच्चे को हम क्या कहें जिसके साथ इस तरीके की मतलब दर्द भरी घटना घटी है। सबसे पहले तो सोच का परिवर्तन होना जरूरी है कि कम से कम इतना तो इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए कि बच्चा और बड़े में फर्क हो। अपराध किसी भी प्रकार का हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, अपराध अपराध होता है, किंतु हम उन माता पिता को उनसे कहना चाहेंगे या समाज के लोगों से कि अपने बच्चों को, नन्हे बच्चों को जो नहीं समझ पाते, जो अपना बचाव नहीं कर पाते, उन्हें इस बात की तो जरूर जानकारी दें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चाचा बन के, भाई बन के, अन्य रिश्ते से, आस पड़ोस के किसी भी माध्यम से यदि गलत ढंग से उसको टच करता है या इशारा करता है या कहीं एकांत में ले जाता है, तो कम से कम वो बच्चा इस बात का विरोध करे।
और आजकल तो हर क्या कहा जाए इस तरीके की घटनाओं में हर रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, हर जगह से विश्वास उठ रहा है, तो इसको रोकने की बहुत ही अति आवश्यकता है। समाज में इस बात की जागरूकता फैलानी चाहिए कि उन बच्चों को इस बात का ज्ञान रहे कि वो अपना बचाव कर सकें, और यदि ऐसी कोई घटना या कोई अपरिचित या परिचित कोई भी व्यक्ति उसके साथ करता है वो तुरंत जो है उस बात की जानकारी अपने परिवारजनों को माता पिता को दें, और पुलिस प्रशासन की सजगता और अच्छे काम के कारण जो है मुलजिम पकड़ा गया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। करती हूँ कि उस व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया है उसके साथ किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए और उसको भरसक प्रयास किया जाए कि उसको कठोर से कठोर तो सजा मिले, ताकि इस प्रकार का अपराध करने वाला आने वाला व्यक्ति कम से कम उसको नसीहत प्राप्त। जैसे ही ये वारदात हुई मरिया पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई और अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जरूर मुझे लगता है कि ये ऐसे व्यक्ति ये मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति की हालात ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो मैं इस बात के लिए मरिया पुलिस को बधाई भी देता हूँ और समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि हम तो अपने बच्चों को इस तरह से पूरी वो शिक्षा देने की हर संभव कोशिश करते हैं कि ऐसी वारदातें ना हों, परंतु अगर एक बार ये वारदात हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि इसमें जितनी सक्रियता पुलिस को और हमारे न्यायालय को दिखानी चाहिए ये भी एक बड़ी अपेक्षा है, और ऐसे लोगों को उनका मानसिक उपचार और उसके साथ में जिस तरह से फास्ट ट्रैक वगैरह लगा के इस पूरी कार्रवाई को समाप्त किया जाना, और अगर वो निश्चित रूप से दोषी है तो उसे सजा मिले, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और आप सभी से एक शहरी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते अपील भी करता हूँ कि हम जरा एक पीपुल्स एजुकेशन और पीपुल्स एडवोकेसी का काम करें, इस तरह की वारदात की हमारे सभी समाज में गुंजाइश ही ना हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थानापाली अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उसमें अभियुक्त जो कि उसका पड़ोसी था कलीम अंसारी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें पूरी कोशिश की जाएगी अपराधी को सख्त से सख्त समझ लिया कि पुलिस काफ़ी प्रयास कर रही है। जागरूकता एक मिशन के तौर पर लोगों के पास जाती है, बात करती है, पर जो परिवार है और समाज है उसकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को देखे और उनके साथ अगर किसी भी तरीके से कोई हरकत करता है पुलिस को बताए, और इसके अलावा बच्चों से इतनी बातचीत होनी चाहिए कि वो खुले से जब भी कोई उनके साथ कोई ऐसी चीज़ आए या वो अपने साथ महसूस करें तो वो तुरंत करें।